अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खड़े मसाले के कीमे की रेसिपी। ये कीमा बहुत मज़ेदार बनता है, तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कीमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो यहाँ पर हमने मटन का कीमा लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर बीफ या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, सेम तरीका यही रहेगा। ये मोटा मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा है और कीमा हमने हड्डी के साथ लिया है। 4 दरमियाने साइज के हमने टमाटर लिए थे, उनको ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना लिया। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया था, उसको हमने इस तरीके से लंबा लंबा शेप में कट कर लिया। 10 से 12 लहसुन के जवे हैं, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून धनिया है, इसको हमने दरदरा सा कूट लिया, 1 टेबल स्पून जीरा है, 2 तेज़पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची है, 6 से 7 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 10 से 12 काली मिर्च है, 1 कप कुकिंग ऑयल है और 4 दरमियाने साइज के प्याज लेती हैं, उनको हमने इस तरीके से कट कर लिया। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर लेते हैं। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको नरम करना है। 1 से 1.5 मिनट में ये अच्छे से हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं प्याज को हमने बस हल्का सा नरम किया है। अब इसके अंदर हम कीमा शामिल कर रहे हैं। अब जितने भी तमाम मसाले हैं वो तमाम शामिल कर लेते हैं। ये तमाम मसाले हमने इसके अंदर शामिल कर लिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हम इसे 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं और गैस को हमने मीडियम पे कर देना है। मीडियम गैस पर इसको हम 15 मिनट पकाएंगे। इतने में हमारा कीमा अच्छे से गल चुका होगा। 15 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कीमा अच्छे से हमारा पक चुका है, बस हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। ये भुनाई हो चुकी। ये हमारा खड़े मसाले का कीमा तैयार है। बहुत मज़ेदार होता है कीमा, बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही बेल बटन वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।